आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी इवनिंग स्नैक गोल गोल सुपर क्रिस्पी ब्रेड बोल, मतलब जो इसकी स्टफिंग होती है ना उसी में इसका सारा टेस्ट होता है। बहुत ही फटाफट से बनने वाली, बनाने में बहुत ही आसान, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है स्टफिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप मूँगफली ली है, उसे रोस्ट कर लिया है और 5 मिनट इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे छिलके सहित जार में डाल देंगे। अब मसाले के लिए हम 2 चम्मच सौंफ लेंगे, 1 चम्मच हमें जीरा लेना है, 5 से 7 काली मिर्ची लेनी है, 2 लौंग लेने हैं, 1 अदरक का टुकड़ा लेना है। बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी सा इसका मसाला बनेगा। इसके लिए 2 हरी मिर्ची लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आप चाहे तो खड़ा धनिया भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, और इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिया की क्वांटिटी हमें ज़्यादा लेनी है और इसको बिना पानी डाले हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। देखिए इस तरीके से दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करना है। मूँगफली ठंडी रहेगी तो ये पेस्ट नहीं बनेगा, इस तरीके का दरदरा रहेगा। अब यहाँ कढ़ाई गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे, इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, 1 कटोरी में 1 चम्मच मेथी दाना, सौंफ, राई, जीरा और कलौंजी लेंगे और 1/2 चम्मच हींग लेकर इसमें डाल देंगे तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जब ये अच्छे से चटक जाए तब हमें मूंगफली वाला मसाला डाल देना है। ये मसाला बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसको लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनिए, ये इस तरीके से ये खिला खिला सा हो जाएगा, ये मसाला ड्राई हो जाएगा इस तरीके से। इसका जो भी मॉइस्चर है वो सूख जाएगा और ये देखिए इस तरीके से हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। अब लो मीडियम फ्लेम पर हमको गैस को रखना है, मसाले को चलाते जाना है। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 4 से 5 उबले हुए आलू, ये मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं। इनको इस तरीके से मसलते हुए डाल देंगे। ये जो स्टफिंग है ना एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी स्टफिंग। ये देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मसालों को अच्छे से इसके साथ मिक्स होने देंगे इस तरीके से दबाते हुए। और इसमें इसके साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसालों को अच्छे से मिक्स करते रहना है और इस तरीके से इसे दबा दबा कर मसालों को आलू के साथ मिक्स करना है और अच्छे से भुनना है। जितना ज़्यादा मसाला हम अच्छे से भुनेंगे उतनी अच्छा टेस्टी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार होगी। अब मसालों को अच्छे से भुनने देंगे। तो एक तरफ हम तड़का पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और ये मैंने कुछ काजू और कुछ किशमिश ली है और उसको अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार होगी। आप अगर ना डालो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, पर इसे डालेंगे तो इसका 2 गुना स्वाद बढ़ जाएगा स्टफिंग का। ये देखिए अच्छे से काजू किशमिश हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब गैस बंद कर देंगे और इसको मसाले में ऐड कर देंगे। ये देखिए गैस बंद कर दिए, अब मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं तो इसमें हम इसको ऐड करेंगे। 5 से 7 मिनट तक चलाते हुए इसका देखिए कलर चेंज हो जाएगा स्टफिंग का। और ये देखिए अच्छे से इसको चलाएंगे, ये इस तरीके से देखिए हमारा स्टफिंग तैयार है। अब इसको 1 प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे ताकि इसकी जो हम बॉल्स बनाएंगे वो बहुत ही अच्छे से बने। गरम गरम में हमें नहीं बनाना चाहिए, थोड़ी ठंडी हो तो ही इसकी बॉल बनाना चाहिए। इस तरीके से इसको ठंडा करेंगे, 10 से 15 मिनट तक इसको एक तरफ रख देंगे। ये देखिए अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1 नींबू निचोड़ देंगे, ये मैंने 1/2 नींबू लिया है, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पर हम चीज़ बॉल्स बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ क्यूब्स लिए हैं इस तरीके ये इनको हम ये देखिए ये 2 चीज़ क्यूब्स लिए हैं। अब इसको कट कर लेंगे, हम सभी को बराबर भागों में कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिए हैं सभी चीज़ क्यूब्स को, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं,
पर इससे बहुत ही टेस्टी बनेंगे और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। अब इसके हम बॉल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच, तकरीबन एक बड़ा चम्मच लिया है मसाला, और इसको लेकर गोल बना लेंगे और बीच में इस तरीके से करते हुए हम यहाँ पर क्यूब्स रख देंगे और उसको पैक कर देंगे इस तरीके से, और इसके सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, एक और बताती हूँ, इस तरीके से चारों तरफ से इसकी सब तरह से पैक होना चाहिए, वरना जो चीज़ है वो पिघल कर बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, सभी को हम, यहाँ हमारे सारे बॉल्स तैयार हैं। अब हम ब्रेड लेंगे, यहाँ मैंने वाइट ब्रेड लिए, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो, और इसकी सारी किनारों को काट देंगे इस तरीके से चारों तरफ से। ये देखिए, सारी ब्रेड की ये किनारे मैंने कट कर दी है, और ये जो बचे हुए भाग है इनको हम ब्रेड क्रम्ब भी तैयार कर सकते हैं। इसको एक साइड रखेंगे। अब एक प्लेट में आधा कप पानी और आधा कप दूध लेंगे। दूध से बहुत ही क्रिस्पी ब्रेड बॉल बनकर तैयार होंगे। अब एक ब्रेड लेंगे, उसको इस तरीके से डिप करके हथेली में दबाते हुए इसका सारा जो एक्स्ट्रा दूध है वो सब निकाल देंगे इस तरीके से, हल्के हाथों से दबाएंगे, और इसमें बीच में बॉल रख देंगे और इसको चारों तरफ से इसकी कोटिंग कर देंगे ब्रेड की। बॉल्स पर इस तरीके से कोटिंग कर देना है और हाथों से इस तरीके से दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा जो दूध है वो सारा निकाल देंगे, और उसकी एक भी जगह से खुला नहीं रहना चाहिए, वरना इसमें से मसाला बाहर निकलने लग जाएगा फ्राई करते वक्त। झमाझम बारिश के मौसम में ये बॉल्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, हमारे सारे बॉल्स तैयार है। कढ़ाई गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे, उसमें तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम एक एक करके बॉल्स डाल देंगे। ध्यान रखिए, गैस को लो मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। सारे बॉल्स को डाल देंगे हम और इसको लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। थोड़े थोड़े बीच में चलाते रहेंगे इस तरीके से, और ये देखिए हमारे हल्के ब्राउन होने लगे हैं, और ये जल्दी से फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। देखिए, अच्छे से ब्राउन हो गए, कितने शानदार बनकर तैयार हुए हैं हमारे ब्रेड बॉल्स। ये देखिए, कितने बढ़िया बने हैं। बारिश के मौसम में, सावन का महीना है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ब्रेड बॉल रेसिपी। आप लोगों की फैमिली को बहुत ही पसंद आने वाली है। ये देखिए, चीज़ पिघल गया है, बहुत ही टेस्टी बनने वाला। मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।